Hello everyone, welcome to Astro's Biology. In today's video lecture, I am going to tell you each and every detail about ICMR-JRF, like about ICMR-JRF, then cutoffs, then paper pattern, books, and different strategies to qualify this examination. Okay, so as you all know, abhi recently ICMR-JRF ka examination ka announcement hua hai. तो ये एग्जामिनेशन 12th of September 2021 में होगा, संडे के दिन. और इसके लिए जो फॉर्म फिलिंग का जो ये है नोटिफिकेशन, वो आएगा इन द लास्ट वीक ऑफ जून 2021. और टेंटेटिव डेट्स फॉर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी फ्रॉम 1 जुलाई टू 31 जुलाई. और ये दो वेबसाइट है, यहाँ से आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं. तो ICMR-JRF क्या है? तो ICMR इज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च. तो ये फेलोशिप है पीएचडी के लिए या रिसर्च प्रोग्राम के लिए थ्रू काउंसिल सपोर्ट. और इसकी जो जेआरएफ अमाउंट है वो बाकी जो जेआरएफ है, जैसे सीएसआई जेआरएफ है, डीबीटी जेआरएफ है, इनके इक्विवेलेंट है. दैट इज 31,000 प्लस एचआरए एंड प्लस 20,000 का कॉन्टिंजेंसी ग्रांट. ए टोटल ऑफ 150 फेलोशिप्स आर अवार्डेड एवरी ईयर, जिसमें से 120 फेलोशिप्स जो होते हैं वो लाइफ साइंसेस के लिए होते हैं और 30 जो होते हैं वो सोशल साइंसेस के लिए होते हैं. देन दो अदर स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है अंडर वेरियस प्रोजेक्ट स्कीम्स अंडर ICMR. और यूजुअली इसका जो एंट्रेंस है वो फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में होता है, बट अभी लॉकडाउन एंड ऑल के वजह से ये एग्जामिनेशन 12th of September पे होगा. ठीक है, दिस ईयर इट विल बी हेल्ड ऑन 12th of September 2021. तो इसका पेपर पैटर्न क्या है? तो पार्ट ए, पार्ट बी और एक पार्ट सी भी होता है, विच इज फॉर सोशल साइंसेस. तो अगर आप लाइफ साइंसेस के स्टूडेंट हो ऑब्वियसली, तो आपको पार्ट ए और पार्ट बी को अटेम्प्ट करना है. पार्ट ए में देर आर 50 क्वेश्चंस, जिसमें से आपको 50 अटेम्प्ट करना है, और पार्ट बी में देर आर 100 क्वेश्चंस, उसमें से आपको 75 अटेम्प्ट करने हैं. तो टोटल आपको 125 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. सारे ही क्वेश्चंस 1 मार्क होंगे और 0.25 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग होगा अगर आपका कोई भी आंसर गलत होता है. तो टोटल ये एग्जामिनेशन है 125 मार्क्स की और ये एग्जामिनेशन है अराउंड 2 आवर्स की. तो हम प्रीवियस ईयर कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे. तो यूजुअली इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो बेस्ड होता है ऑन द एग्रीगेट ऑफ 55% मार्क्स ऑब्टेन्ड इन बोथ द सेक्शंस फॉर जनरल एंड ओबीसी and 50% for SC or ST and physically handicapped. Normally 55% के जो ऊपर लाते हैं उनका क्वालिफिकेशन होना थोड़ा इजी है, बट जैसे कि हम प्रीवियस ईयर कट ऑफ को देख रहे हैं, जैसे कि 2019 का जो JRF था वो 63.4 का था. ये मैं जनरल की बात कर रही हूँ. और फॉर प्रोजेक्ट 2019 का था 61%. और अभी 2020 JRF का अगर हम जनरल का देखते हैं तो दैट इज अराउंड 68.8 था. ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है कि आपको अराउंड 60 to 70% या 70 के भी ऊपर परसेंट आपको इसमें स्कोर करना है. लेकिन आपको यहाँ पे दोनों ही सेक्शंस पे फोकस करना है. ठीक है, जो पार्ट ए है आपको उसमें भी स्कोर करना है एंड पार्ट बी है उसमें भी आपको स्कोर करना है. ठीक है, ऑब्वियसली पार्ट बी जो है दैट इज फॉर लाइफ साइंस, तो वो तो हमारा अच्छा है ही, बट यहाँ पे हमें जो एप्टीट्यूड वाला पार्ट है वो हमें स्किप नहीं करना है. अगर आप ये वाला पार्ट स्किप करते हो तो ये वाला एग्जाम आप क्वालिफाई नहीं हो सकते हो. तो जनरल एप्टीट्यूड का ये जो सिलेबस है, स्टैटिस्टिक्स, देन जनरल नॉलेज और साइंटिफिक फेनोमेनॉन, ये वाले पार्ट आपको कंप्लीट करना है. ICMR की बेस्ट पार्ट ये है कि उन्होंने जो ये सिलेबस में मेंशन किया है उसके बाहर का वो एक चीज भी नहीं पूछते हैं. तो अगर आप ये सारा पार्ट कवर कर लेते हो तो आपका जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट अच्छे से हो जाएगा. और ये जो लाइफ साइंस का सिलेबस है ये, इससे तो आप काफी ज्यादा फैमिलियर हो. जितने भी आप एग्जाम्स दे रहे हो, जैसे कि CSIR नेट है, DBT है, ICAR है, या फिर बाकी कोई भी नेट एग्जामिनेशन है, आप अगर उनका प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप काफी ज्यादा टॉपिक्स तो आप वहीं पे कवर कर लेते हैं. तो बायोकेमिस्ट्री हो गया, देन मॉल बायो, देन जेनेटिक्स, देन फिजियोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बायोफिजिक्स के आप टेक्निक्स पढ़ते हैं, देन जूलॉजी,
बॉटनी, इतने सारे टॉपिक्स तो आप बाकी एग्जाम्स के लिए जब पढ़ते हो तभी कर लेते हो। रिगार्डिंग माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स, ये वाला पार्ट आप डीबीटी के लिए पढ़ते हो राइट, तो ये वाला पार्ट आप वहां कवर कर लेते हो। तो आपका मेजोरिटी सिलेबस, अगर आप दूसरे किसी लाइफ साइंस का एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका हो जाएगा। तो आपको ये एग्जामिनेशन में जो इम्पोर्टेंट फोकस देना है वो एप्टीट्यूड वाले पार्ट में। ओके, तो ये वाले जो सारे टॉपिक्स हैं इन सब के लिए आपको कौन से बुक्स एंड ऑल रेफर करने हैं, इसका मैं आपको अभी आने वाले स्लाइड्स में बताऊंगी। ओके, सो बुक्स, तो सबसे पहले आपको जो पार्ट ए है, जो जनरल साइंस के जो टॉपिक्स है, उसके लिए आपको 9, 10, 11, 12 का बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री पढ़ना है एनसीईआरटी से। ओके, ये जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगी। ओके, देन फॉर जनरल साइंस आपको एक बुक पढ़ना है बाय ल्यूसेंट्स, ये काफी ज्यादा अच्छा बुक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। देन बायोलॉजी बाय कैंपबेल एंड रिस, उसके बाद आपको पाथफाइंडर के फंडामेंटल्स पढ़ने हैं लाइफ साइंसेस के लिए। लाइफ साइंसेस के लिए सारे वही बुक है जो मैंने अपने प्रीवियस सीएसआर नेट प्रिपरेशन वीडियो जो है उसमें मैंने बताया है, बट स्टिल मैं एक बार वो सारा कवर कर लेती हूँ। सी, बायोकेमिस्ट्री के लिए आपको लेनिंगर से पढ़ना है, वॉइट एंड वाइट से पढ़ना है। देन सेल एंड मॉल बायो के लिए आपको ब्रूस अल्बर्ट्स और लॉरिस से आप पढ़ सकते हैं। देन फॉर जेनेटिक्स आप बेंजामिन पियर्स एंड हार्टल एंड जोन्स से पढ़ सकते हैं। फॉर माइक्रोबायोलॉजी आप लैंसिंग प्रेस्कॉट से आप पढ़ सकते हैं। देन फॉर फिजियोलॉजी, जो एनिमल फिजियोलॉजी है वो आप प्रोटोरा से पढ़ सकते हैं, और आपको प्लांट फिजियोलॉजी के लिए तेज एंड जिगर इज द बेस्ट बुक। ओके, देन बायोटेक्नोलॉजी के लिए आप रिचर्ड ट्वामन एंड प्रिमरोज से आप जो बुक है वो रीड कर सकते हो, काफी ज्यादा अच्छी बुक है। फॉर बायो इन्फॉर्मेटिक्स आप बाय जोनाथन जो एक बुक है वो आप पढ़ सकते हैं। देन फॉर इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी एक बुक है बाय पी के मोहापत्रा, आप उसे पढ़ सकते हैं। देन फॉर बायोकेमिकल एंड बायोफिजिकल टेक्निक्स आप पढ़ सकते हैं बुक बाय विल्सन एंड वॉकर। ओके, एंड फॉर इम्यूनोलॉजी आप क्यूबी से पढ़ सकते हैं। ओके, देखो जो बेसिक बुक्स है ना वो तो यही है, ये चार, इन चारों को अगर आप अच्छे से पढ़ लो ना तो आपका काफी ज्यादा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी फॉर सर्टेन टॉपिक्स आप बाकी के जो रेफरेंस बुक्स है उनसे पढ़ सकते हैं। ओके, बट रिमेम्बर वन थिंग, दो वो जो टॉपिक्स है जिनको आप डिटेल में सीएसआर के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स, उनको आपको ये पेपर के लिए उन पे आपको फोकस करना ही है। ओके ओके, तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इज स्ट्रेटजी। तो ऑब्वियसली सबसे पहला पॉइंट है सॉल्व पीवाईक्यूज, दोज आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। अगर आप पीवाईक्यूज देखते हो तो आपको उसी से आइडिया आ जाएगा कि इसमें कैसे टाइप के क्वेश्चंस और कौन से लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अकॉर्डिंग टू मी आईसीएमआर का एग्जामिनेशन काफी ज्यादा इजी होता है, इसलिए मे बी इसका कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई सेट होता है। अगर आप पहले से ही किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का पढ़ते आ रहे हो तो लाइफ साइंस का जो पेपर है वो आपके लिए काफी ज्यादा इजी जाएगा। देन ये जो एग्जामिनेशन है ये 12th में है, 12th सितंबर में, तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास 3 मंथ्स का टाइम है इसके प्रिपरेशन के लिए। ओके, अभी से तो ऑब्वियसली अगर आप पूरा तो टाइम आईसीएमआर का सिलेबस कंप्लीट करने में लगाओगे नहीं, आप बाकी एग्जाम्स का भी साथ में प्रिपरेशन करोगे, तो बस आपको जो एवरी संडे है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं और एप्टीट्यूड कीजिए आईसीएमआर का एटलीस्ट 2 आवर्स। ओके, ऑब्वियसली ये एक मेडिकल रिसर्च एग्जामिनेशन है, तो आपका स्पेशल फोकस डिसीजेस पे, वैक्सीन्स, देन एपिडेमियोलॉजी पे, देन डिसीज साइकिल, देन क्योर्स, देन ट्रीटमेंट्स, ये वाले पॉइंट पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। ओके, देन आप सीएसआईआर नेट, डीबीटी, बेट, आईसीएमआर, जेआरएफ, इन सबका एक साथ प्रिपरेशन आराम से कर रहे हो। और जो बच्चे हैं जो सिर्फ आईसीएमआर जेआरएफ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आई विल सजेस्ट देम कि सीएसआईआर नेट और डीबीटी बेट का भी प्रिपरेशन करें, बिकॉज सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट सिमिलर है। देन आपको फोकस करना है एप्टीट्यूड पार्ट पे भी। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगी अगर कोई लाइफ साइंस का स्टूडेंट है तो उसको एप्टीट्यूड पे ही फोकस करना है, क्योंकि उसी पार्ट में हम लोग काफी ज्यादा लैकिंग होते हैं। लाइफ साइंस का पार्ट तो आराम से क्लियर हो जाएगा। ओके, देन आपको दोनों ही पार्ट्स में अच्छा स्कोर करना है टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। अगर आपके लाइफ साइंस वाले पार्ट में सारे भी राइट आ जाते हैं तो भी आप ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते, अगर आपके एप्टीट्यूड में मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं तो। ओके, तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। बहुत बार बच्चे सोचते हैं कि हम थोड़े क्वेश्चंस करेंगे जिसके लिए हम पूरा श्योर है,
अगर आप अटेम्प्ट ही ज्यादा नहीं कर रहे हो तो आपका स्कोर ही नहीं आएगा। और जैसे कि ये एग्जाम का डिमांड है, आपका स्कोर काफी ज्यादा अच्छा चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, पार्ट ए में आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो उसमें आपको एटलीस्ट 40 to 45 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पार्ट बी से 75 में से 65 to 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही है। ट्रस्ट मी गाइज, ये लिटरली एक टॉपर स्ट्रेटेजी है। जितने भी लोग एग्जाम क्वालिफाई करते हैं वो लोग बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। ओके, ऑल्सो ट्राई टू टेक मॉक टेस्ट इफ पॉसिबल। अगर कोई आपको मॉक टेस्ट वगैरह प्रोवाइड करा रहा हो तो आप अगर इसका मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। आपको प्रैक्टिस करना है 2 घंटे में, लेकिन आईसीएमआर का जो पेपर पैटर्न है वो थोड़ा गेट के टाइप है। मतलब अगर आपको आंसर आता है तो आता है, इसमें ज्यादा एनालिटिकल क्वेश्चन आते नहीं है जिसे सीएसआर नेट में पूछे जाते हैं। तो बहुत सारे पार्ट के लिए तो आपको लिटरली बहुत सारा रट्टा मारना पड़ेगा, दैट इज ए फैक्ट। बट अगर आप पहले से ही लाइफ साइंस का प्रिपरेशन करते आ रहे हो तो आपका पार्ट भी काफी ज्यादा आराम से सॉल्व हो जाएगा। आपको बस पार्ट ए पे ज्यादा फोकस करना है। ओके, सो लेट्स क्रैक आईसीएमआर, डीबीटी, सीएसआर नेट साइमल्टेनियस। ओके, सो ये सारी स्ट्रैटेजीज आपको याद में रखते हुए आपको ये सारा एग्जाम्स का प्रिपरेशन करना है। आपके पास 3 मंथ्स का टाइम है। ओके, ये 3 मंथ्स में आप पूरे ही 3 मंथ्स आईसीएमआर का तो प्रिपरेशन करेंगे नहीं, ठीक है, इतनी जरूरत भी नहीं है। आप बाकी सारे एग्जाम्स पे भी फोकस कीजिए, सीएसआर नेट हो गया, डीबीटी हो गया, ये सारे ही एग्जाम्स अराउंड सितंबर अक्टूबर के रेंज में आपके हो जाएंगे। ओके, तो आपको ये सारे एग्जाम्स के लिए साथ में प्रिपेयर रहना है। बस आप आईसीएमआर के लिए थोड़ा सा संडे में एप्टीट्यूड और पीवाईक्यूज देख लेना। ओके, और एग्जाम जब पास आए तो थोड़ा सा लाइफ साइंसेस का और जितना भी आपने एप्टीट्यूड किया है उसका रिवीजन कर लेना, आपका आईसीएमआर का सिलेबस कवर हो जाएगा। और फिर साइमल्टेनियसली आपको सीएसआई नेट और डीबीटी का भी प्रिपरेशन पे फोकस करना है। ओके, ऑल द बेस्ट। फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब एस्टर्स बायोलॉजी, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड टेलीग्राम, लाइक कॉमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।